ಇದರಿಂದ ನಮಕ್ ಹಾಗೂ ಬರೆ ನಮಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ಈ ನಮಕ್ ಆಪ್ ಕಿದರ್ ಸಲಾತೆ ಹೋ ये नमक सिंध प्रांत में होता है, ये पहाड़ का होता है, नेचुरल नमक होता है। ये आता सिंध प्रांत बाघा बॉर्डर से आता है, और ये पहले राजस्थान में आता है, फिर महाराष्ट्र में आता है, आगे से आगे आ जाता है। आप ये यानी कि कोई भी खरीद सकता है। ये मुंद्रा पोर्ट है, जैसे वहाँ पे खाली होता है, इसके कंटेनर आते हैं, वहाँ से कोई भी ले सकता है। ये सारा कुछ लैब वगैरह में टेस्ट होके ही मिलता है? हाँ जी, ये तीन चार जगह पे चेक होके आता है, और जो भी वहाँ से लेगा कोई खरीदने के लिए बिजनेस करने के लिए लेगा तो उसको रिपोर्ट भी देते हैं निकाल के। इसका बिल वगैरह और इसका जो FFSC रिपोर्ट रहता है वो सब रहेगा? सब रहता है जी, इसका सब रिपोर्ट निकाल के देते हैं, और इसका लाइसेंस होता है, लाइसेंस के बिना धंधा भी नहीं कर सकते, लाइसेंस भी होता है। हाँ, ये आप जगह जगह घूम कर धंधा कर रहे हैं इसका? हाँ जी, जगह जगह घूम कर धंधा कर रहे हैं। कर्नाटक में आप अभी किधर किधर इसको लेके जा रहे हो? कर्नाटक में ही पहले तो थे हम इधर बेलगांव में, हुबली में थे, अभी हम बेंगलोर में थे, हो गया हमारे को 1.5 महीना हो गया बेंगलोर में, तो उधर सेल कर रहे थे। अभी दावणगेरे में हो? हाँ, ये अभी दावणगेरे में। दावणगेरे से अभी किधर जाओगे? अभी जी यही इधर हुबली, हुबली या बेलगांव में इधर ही। ये काला नमक भी है ना आपके पास, सेंधा नमक के साथ? ये काला नमक भी है, ये काला नमक है, यो ये बनाया जाता है, काला नमक कोई भी है ऑल इंडिया में बनाया होता है, ये नमक का ही बनाया होता है, ये सेंधा नमक का ही बनाया होता है। हाँ, सेंधे नमक का ही बनाया होता है, दूसरा नमक आता है उसका भी बनाया होता है, जो छोटा छोटा आता है सांभर झील का आता है अपने राजस्थान में, उसका बनाया होता है, इसको जलाकर रोटी की तरह मटके में डालकर फिर तैयार किया जाता है, होता ही है, ओरिजिनल है, ये ऑर्गेनिक नमक है। हाँ जी हाँ। ये कितना रुपए किलो में बेच रहे हैं आप यहाँ पे? ये काला नमक 80 रुपए 70 रुपए के जी बेच रहे हैं। वो सेंधा नमक? सेंधा नमक बेच रहे 60 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 60 रुपए बेच रहे, जो ज्यादा लेता 50 रुपए दे। 5-6 साल हो गया, पहले गुजरात में धंधा करते थे, अभी 2-3 साल महाराष्ट्र में हो गया धंधा करते है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और बढ़िया ओरिजिनल चीज है, ये आयुर्वेदिक नमक बोलते है इसको, डॉक्टर भी बोलते हैं यही नमक खाना चाहिए, और इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे सर्च मारो, आपको सब डिटेल मिलेगा, ये क्या काम आता है, क्या आता है, सबको सब पता चल जाएगा, कहाँ से आता है, और काले नमक का भी पता चल जाएगा कैसे बनता है, ये क्या जाता है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात, UP और पंजाब, हरियाणा, यहाँ से? नहीं नहीं, यूपी से नहीं सर, खाली राजस्थान और पंजाब से। यूपी में धंधा नहीं किया? यूपी में। अच्छा, धंधा करने के लिए? हाँ, धंधा करने के लिए जाते हैं। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम सर राजस्थान पंजाब के। राजस्थान, हमारे रिश्तेदार है वो राजस्थान के, हम पंजाब के जी। बिल्कुल शुक्रिया। आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर ये गाड़ियाँ सब रुकी हुई है, इसका फायदा भी बताएं यहाँ पर सर, इस नमक के फायदे भी थोड़ा बताएंगे। फायदे ये, जैसे दूसरा नमक है वो खारे पानी का बनता है, ये नेचुरल है, इससे BP, शुगर, डायबिटीज और घुटनों में दर्द के लिए, आंतड़ियों के लिए, पेट साफ के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। और दूसरा, इसको लोग पत्थर समझते हैं, ये क्योंकि नेचुरल पाया जाता है ये, और जो दूसरा नमक आता है वो पानी का आता है, वो पाउडर का आता है, इसलिए ये पत्थर है, ये ओरिजिनल आता है, एकदम ओरिजिनल, इसमें कुछ मिक्स मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये कुदरती आता है। और भी बहुत फायदे हैं, घर में लोग रखते हैं, नेगेटिविटी के लिए भी अच्छा रहता है, बाथरूम में रखते हैं, शोरूम में रखते हैं, बहुत जगह पे रखते हैं, और भी बहुत काम में आता है, ज्यादा जानकारी चाहिए तो YouTube पे सर्च मारना। और ये जो काला नमक है, हाँ जी, ये मजगी मसूर में, सलाड में, जूस में, पानीपुरी में, और किसी में भी डाल सकते हो, सलाड वगैरह में, ये पेट में गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, अपचन के लिए, हाजमे के लिए अच्छा रहता है। जो जीरा सोडा वगैरह बनता है वो इसी नमक का बनता है? हाँ, इसी नमक का बनता है, ये किसी में जो पानी पूरी वाले इस्तेमाल करते हैं वो यही नमक इस्तेमाल करते हैं जी, पेट साफ वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है।